हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं खेलने वाला हूँ सस्ती वाली GTA 5। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने किया था बुगाटी को चोरी, वो भी होटल से। तो वो बहुत ही बड़े आदमी का बुगाटी था। तो आज मैं बेसिकली मैं एक बहुत ही खतरनाक मिशन करने वाला हूँ। तो वो मिशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा नहीं, वो एक सरप्राइज़ है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा ऐसे शॉप में जाते हैं पैसा पाने के लिए। तो जैसे कि मैं अभी सुपरमार्केट में आ चुका हूँ, हम लोग शॉप में जाते हैं, ऐसे पैसा उठाते हैं, ये पैसा भी उठाते हैं। और भाई तो ऐसे पैसा उठा के हमारा काम हो जाता है कंप्लीट, फिर दूसरे शॉप के लिए चले जाते हैं। तो आज मेरे पास एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आ गया कि मैं आज करूँगा रॉबरी, वो भी बैंक का। तो इधर सिटी में एक बैंक है, सिटी बैंक, तो मैं उसका रॉबरी करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लगने वाला है, और मैं आप लोगों को पता ही होगा मैं अपना लैम्बोर्गिनी नहीं ले जाने वाला हूँ। लैम्बोर्गिनी ले गया तो बस पुलिस वाले तो ऐसे भी फोड़ देंगे। तो मैं इसको ऐसे ही घर के पास पार्क कर दिया, और मेरे नेबर है वो लोग कुछ कहेंगे नहीं। तो इसके लिए आप लोग पूछोगे कि ये साइकिल क्यों ले जा रहा हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को सब बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक बार ही बैंक में चलते हैं, सिटी बैंक में। तो वो ज़्यादा दूर है नहीं, बस पास में ही है यार। ये ठुकता बहुत है भाई साइकिल वाले अंकल, थोड़ा अच्छे से ड्राइव वाइव कर लो। साइकिल ही तो है, बच्चे चलाते हैं, वो भी बच्चों का ट्राई साइकिल है, ट्राई नहीं है बट साइकिल है, वो भी बच्चों का। तो मैं यार, मैं हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए नहीं, तो मैं बस ऐसे स्टंट मारा था, ये साइकिल मिल गया था इसलिए। तो भाई मैं अभी बैंक में आ चुका, ये रहा बैंक सामने ही है, मैं जल्दी से जाता हूँ इसके फ्रंट पार्ट में। तो आप लोग पूछोगे कि मैं ये साइकिल क्यों ले गया, मैं तो चाहता तो लैम्बोर्गिनी लेके आता। बस भाई वेट करो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी ये बैंक है, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर मैं कहाँ का रॉबरी करने वाला हूँ। किसी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा ही नहीं होगा कि इधर कितना भड़बड़ के पैसा होगा। तो दोस्तों मैं रॉबरी करने वाला हूँ इधर ये वाले पार्ट का, मतलब ये वाले तिजोरी के अंदर वाला पार्ट। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, मैं जितने भी ग्रेनेड मार दूँ बट ये फटने वाला नहीं है, दरवाजा मैं खुद ही फट गया। लेकिन आप लोगों को दिखा देता हूँ ये डोर, मतलब ये तिजोरी के डोर को कुछ हुआ नहीं। मैंने और भी दो ग्रेनेड फेंके, आप लोग देख लो तब भी कुछ नहीं होगा इस तिजोरी के दरवाजे को। लोहे का बहुत ही मोटा सॉलिड दरवाजा ना, इसलिए। तो मैं जो भी कर लूँ, ये RPG मार दूँ 100, तब भी ये फटने वाला नहीं है। तो अभी मैं एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, और जिसका नाम ही मतलब नाम कोई ये नहीं है, इस ये साइकिल को आप लोग यूज़ करके वो ट्रिक अपना सकते हो, मतलब उसके साइकिल के मदद से ही आप लोग बैंक की तिजोरी के अंदर जा सकते हैं। तो मैं इसके लिए मुझे लगेगा मून ग्रेविटी। तो मैं जल्दी से मून ग्रेविटी चीट कोड अप्लाई कर लेता हूँ, और ये मैं एक बारी अगर मैं ये रॉबरी कर लूँ तो सिटी का तो बड़ा आदमी मैं ही होने वाला हूँ। तो भाई मैं जल्दी से एक बार ही यार ये जा क्यों, अरे मैं तो किधर ही पहुंच गया, इधर से तो कुतुब मीनार भी दिखने लग जाएगा। ओ भाई साइकिल वाले अंकल, आप क्या स्टंट क्यों मार रहे हो आसमान में, अगर आप में शक्ति है तो आसमान में ना स्टंट मार के लैंड के ऊपर ही स्टंट मार दो। तो मैं फिर से और एक ट्राई देता हूँ, और यार इस बार चले जाएगा तू भाई, यार क्यों नहीं जा रहा है तू भाई साहब। अब मैं क्या करूँ, ये तो आसमान में उड़ा, इधर से तो व्हाइट हाउस भी दिख रहा है, ट्रंप साहब से हमको खिड़की से हाय बोलने वाला है। और भाई तू जल्दी से नीचे आ, इतना हवे में मत उड़ा कर। और भाई ये कैसा साइकिल है, अजीब साइकिल है, रिवर्स में भी चलता है, पता नहीं कौन से देश का साइकिल है, मेड इन चाइना होगा इसलिए इतना पावरफुल है ये साइकिल शायद से। और मैं भाई इस बार अंदर जाना है मुझे, और भाई मैं अंदर आ गया हूँ यार, और बस थोड़ा सा मैं अंदर आ जाऊँगा, मुझे पता है एक बार में ये लास्ट चांस था, और मैं इसमें मैं एकदम आ चुका हूँ। तो भाई अब मैं आप लोग पूछोगे मैं साइकिल लेके भी अंदर आ गया, तो तुम आप लोग सोच रहे हो ये दिखाना क्या जाता है, आप लोग सब्र करो मैं आपको दिखाता हूँ। और भाई ये देखो मैं इसको स्टेयर से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, यार चढ़ जा मेरे भाई, भाई चढ़ जा, अगर तू नहीं चढ़ेगा तो रात को तुझे गब्बर सिंह मारने आ जाएगा। ये फालतू जोक्स क्यों मार रहा हूँ मैं। तो भाई तू जल्दी चल, मुझे सिटी का बहुत बड़ा आदमी बनना है आज। तो भाई साइकिल वाले अंकल आ चुके हैं सेकंड फ्लोर में, वो भी बैंक के। तो भाई एक बार ही रुको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यार ये कुछ थोड़ा अटक गया, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे मैं तिजोरी के अंदर जाने वाला हूँ, वो भी साइकिल को यूज़ करके। तो भाई ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, रुको मैं इसको पहले एक बार रिवर्स में कम रख लेता हूँ। तो अभी देखो भाई मैं सिटी का सबसे बड़ा आदमी बस बनने ही वाला हूँ, और कुछ ही पल में। तो यार ये आ चुका है, और 3, 2, 1 ये मैं हूँ सबसे बड़ा आदमी, टेंटर है, कितना सारा पैसा है मेरे साथ पास आप लोग देखो अब। और मैं इस पैसे को कलेक्ट कर लूँगा, और इस पैसे को कलेक्ट करके हम लोग गाड़ी घर पैसा अय्याशी मारेंगे हर सारा दिन। और मैं इस सिटी का सबसे बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मैं अपने बाल मूछ दाढ़ी सब कुछ कलर करवा दूंगा, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ सिटी का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग भी ऐसे हंसी के वीडियोस देखना चाहते हो तो। तो भाई मैं अब इतना ज़्यादा पैसा किधर रखूँ अपने घर के, किस कोई स्टोर, मुझे अंडरग्राउंड बनाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड घर बनाना पड़ेगा अब तो देख रहा हूँ मुझे। लेकिन भाई मैं बाहर कैसे निकलूँ, भाई मैं अंदर अटक गया हूँ। तो मैं अगर मैं खुद ही ना निकल पाऊँ तो क्या सारा ज़िंदगी मुझे इधर ही बिताना पड़ेगा,
फिर मेरा हालत मैं एक कंकाल की तरह दिखने लग जाऊंगा। अरे यार मुझे कहीं इधर से बाहर निकालो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बाहर निकल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं फाइनली बहुत सारे ज़्यादा मेहनत करने के बाद बाहर तो आ गया, और भाई मेरा पैसा नहीं निकल पाया, मैं जहर का बार आदमी नहीं बन पाया। दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं बहुत ही बार आदमी बन जाऊँगा शहर का, ऐसा मैंने प्रॉमिस कब किया था, कोई बात नहीं, ऐसे बोलना पड़ता है कभी कभार। और भाई मैंने अच्छा यार ये रहा मेरा लैम्बोर्गिनी, मैंने इधर ही पार्क कर दिया था, और ये घर के अंदर कैसे चला गया, कुछ तो डाउट हो रहा है मुझे। ये नेबर ने मेरा चोरी तो नहीं करना चाहता था, बट ये लैम्बोर्गिनी मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। और मैं जल्दी से भाई ये लैम्बोर्गिनी से अटकता क्यों, पता नहीं पागल लैम्बोर्गिनी है। तो दोस्तों मैं बड़ा आदमी तो बन नहीं पाया, लेकिन मैं मीडियम बन की रह जाता हूँ यार। मुझे अब देख रहा हूँ तो मुझे बस सुपरमार्केट में वही चोरी करना पड़ेगा। भाई मुझे थोड़ा पैसा दे दे, मैं गरीब हूँ, मैं तुझे इसके बदले $1। अबे तू किसको गुस्सा दिखा रहा है बे, अबे आजा आजा आजा, अब मार ले, मैं तुझे पैसे से मारूंगा, रुक तेरा पहले सब पैसे का गड्डी चोरी कर लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं पैसे की गोलीबारी कर दूंगा। ये 1 2 3 4 ये भाई ये मर गया भाई, और भाई इसका जल्दी से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। ये कोई अंबानी तो था नहीं, लेकिन इसका पैसा मैंने तब भी कहा मैं अंबानी का पैसा थोड़ी कलेक्ट करता हूँ, जिसका भी पैसा मिल जाएगा मैं उसका ही कलेक्ट करूंगा। और इसका बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने इसका शोरूम मतलब इसका मैंने, अरे यार इसी के बीच मेरा ये लैम्बोर्गिनी ना तबाह हो जाए, तो इसका ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने शॉपकीपर का पूरा सुपर मार्केट ही तोड़ दिया। और भाई इधर तो भाई मैंने इस चेयर वाले बंदे को भी मार दिया, बेचारा गरीब था, वैसे ही ऐसे भी दुखी था बेचारा, कोई बात नहीं एक शॉट में उड़ा डाला उसको भी। और मैं जल्दी, अरे यार मेरा जिस बुरा करने का बुरा नतीजा होता है आप लोगों ने देख लिया, मेरा कार एकदम नाली में अटक चुका है यार, निकल जा इधर। और भाई पुलिस पीछे से हट गई है, ये निकलता क्यों नहीं, रुको भाई मैं सबसे पहले मून ग्रेविटी को डीएक्टिवेट करता हूँ, इसके कारण ही ऐसा हो रहा है। तो अभी तो करने लायक मेरे पास बहुत फ़नी चीज़ें हैं, तो मैं आज एक बार ही रुको भाई दूसरे सिटी में जाके दूसरे सिटी का खबर लाता हूँ, देखते हैं कोई फिर से बड़ा आदमी आ गया है कि नहीं, जिसका मैं पैसा वैसा सब कलेक्ट करके एकदम बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो भाई मैं जल्दी से चलता हूँ, और मैंने किसी को ठोक दिया गलती से, पता नहीं कौन था, वो गुस्सा भी नहीं हुआ। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, ये सिटी का रास्ता तो मुझे एकदम अच्छे से पता है, मैं एक बार भी पूरा हवा में उड़ते उड़ते पहुँच जाऊँगा सिटी एकदम। और यार मेरा पलट गया कार, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं, ये कार अरे यार खंबे के साथ पूरा भिड़ गया, कोई बात नहीं मैं सिटी में आ चुका हूँ, और मैं थोड़ा सा जाऊँगा तो सिटी में आ जाऊँगा। और भाई कार में पेट्रोल की कमी होगी, मैं जल्दी से पेट्रोल भरवा लेता हूँ। टी 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 भाई पेट्रोल फुल हो गया, भाई मजाक कर रहा था, बहुत ही फालतू मजाक था कि पेट्रोल भरने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ऐसे भाई गेम वालों ने पेट्रोल पंप बनाया किस लिए, तो भाई पेट्रोल पंप जब बनाए तो पेट्रोल पंप का काम भी यूज़ करना पड़ेगा। और मैं सब गाड़ी को उड़ाते उड़ाते जा रहा हूँ, एक हॉट डॉग की गाड़ी को उड़ाया, फिर ब्लू कलर के लैम्बोर्गिनी को उड़ाया, ये सब करने में मज़ा बहुत आता है इस गेम में, हमेशा के जिंदगी भर मिशन ही करते रहेंगे। तो एक बार मैं एयरपोर्ट का खबर लाता हूँ, देखते भाई एयरपोर्ट में कोई खास खबर है कि नहीं, एयरपोर्ट में हमेशा बहुत बड़े बड़े आदमी आते रहते हैं। और मैं यार ये ऑरेंज कलर का लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताना कैसे लगता है। और ये फालतू, अरे यार मैं ये व्हाइट कार में गलती से बैठ गया। तो इधर तो मुझे कोई खास फिलहाल के लिए न्यूज़ सुनाई दे नहीं रहे, तो आज मैं इधर कोई अच्छा न्यूज़ मुझे सुनाई नहीं दिया, तो मैं जल्दी से इधर से निकल लेता हूँ, और देखते हैं यार उसी सिटी में जाके कुछ कर सकते कि नहीं। तो अरे यार मैं अभी रुको पुलिस स्टेशन जाके बहुत ही मज़ेदार काम करने वाला हूँ, आप लोग बस देखते रहना, इतना मज़ा आएगा आप लोगों को देखने में, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो मैं अरे यार ये लैम्बोर्गिनी को मैंने ठोका था, उल्टा दिया था, तो मैं इसको पहले से ठीक कर देता हूँ। और भाई जल्दी चल मेरे भाई, और ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा लंबा है, ये तो पेट्रोल पंप है, मैं अभी पेट्रोल भरा हूँ, ऐसे तो नहीं भरा हूँ, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। और भाई ये वही जगह है जिधर मेरा लैम्बोर्गिनी मुझे मिला था फर्स्ट टाइम के लिए भाई। और यार ये लैम्बोर्गिनी का घर इसने देख लिया, पुराना घर था इस लैम्बोर्गिनी का, इसको भी बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने इसको अपना इसका पुराना घर दिखा दिया। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, इसका चोरी करने का वीडियो बहुत अच्छा था, इसको मैंने चोरी किया था एक होटल से, उसी होटल से चोरी किया था। और मैं आ चुका हूँ पुलिस स्टेशन, अब मैं इधर ही बहुत ही फ़नी काम करने वाला हूँ, तो जो आप लोग देख देख के हंस के पागल हो जाओगे, हंस के पागल हो जाओगे। तो मैं जल्दी से चलता हूँ, यार मुझे ये कार इधर इधर पार्क करना पड़ेगा, और मैं किसी को हार्म पहुँचाने वाला हूँ, बट मुझे कोई पुलिस पकड़ेगी नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मेरा कैमरा ऑन कर दिया, और 3 2 1 तू चल मेरे साथ, चल मैं इसको धक्का दे दे के, और मैंने छमैया को ऐसे ही मरवा दिया, वो भी धक्का मार के, इसके अंदर माइकल जैक्सन का भूत था, इसको अगर नहीं मारता तो प्रॉब्लम हो जा सकती थी, तो मैंने इसको भी मार दिया। अब इन दोनों लॉयल पुलिस ऑफिसरों की बारी है, मेरे भाई तू AK-47 ही हमेशा पकड़ के रहता है, कभी मैंने देखा नहीं तू किसी को मार रहा है। और भाई अगर तुम लोगों को मेरे जैसे अगर कोई पीछे से बंदा के मार दे तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग के सामने ही हमेशा देखते रहते हो। अब भाई इसकी बारी है, मेरे भाई तू जल्दी चल चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक
चल मेरे ऑफिसर, टुक टुक टुक, और इसको भी मारना पड़ेगा, तू भी मुझे मार के पैसा देना। हाँ पैसा दे देना, पैसा दे दिया भाई, मेरा बात सुना इसने, इसने भी पैसा दिया। बस माइकल जैक्सन के भूत ने मुझे पैसा नहीं दिया, इनके अंदर क्या माइकल जैक्सन का आत्मा आ गया था क्या? अच्छा मैया की तरह नाच क्यों रहते ये लोग? और यार मेरे पास एक बार ये घर देख ले, ये घर तो खाली है, वरना मैं इस घर के अंदर जाके रॉबरी कर लेता, तो अभी मैं और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ इस घर। ये भी घर भाई खाली है, फालतू घर है, इधर के क्या बंदे गरीब हो गए हैं, मुझसे पैसा वैसा मांगने स्टार्ट कर दो, मैं तुम लोगों को पैसा दे दूंगा, कोई चिंता की बात है नहीं। तो मैं जल्दी से मैं और एक फन वाला एक्टिविटी करने वाला हूँ, ये भी देख के आप लोग पागल हो जाएगा, मुझे बस इधर गाड़ी पार्क करके जल्दी छोड़ देना है, मुझे कुछ नहीं करना। और 3 2 1 एक गया, दो गया, और ये भी जाने वाली, ये भी गया, और यार वो पिंक वाला बन गया, कोई बात नहीं, मैं इनको अपने हाथ से मारने वाला हूँ। और मैंने एक ही सेकंड में इधर लास्ट का खून का नदी बहला दिया, और अभी भी बंदे आएंगे यार। ये और एक आया, ये भी मरेगा, ये भी मर गया, इसको मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब खुद ही आ रहे। अरे यार तुम लोग क्या अंधे हो गए हो? इतना इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उनके पोते हो क्या तुम लोग? पोते बच्चे हो क्या? कोई बात नहीं, मैं इनके डेड बॉडी साफ कर देता हूँ, किसी को पता ना चले कि मैंने इनको मारा। और एक बंदा आ गया, ये भी अंधा था, और मैं इनका भी पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ। और यार इधर इनको रुको, थोड़ा सा पैसा दे भी देते हैं, डेड बॉडी इनको पैसा दे के फ़ायदा क्या? और ये और भी आ रहे हैं, इनको भी नचन छम, इनके अंदर मैं माइकल जैक्सन का भूत घुसाने वाला हूँ, आप लोग बस देखते रहना। और इनके अंदर माइकल जैक्सन का भूत आ चुका है, और ये लोग नाचना स्टार्ट, ये लोग के अंदर, इनके अंदर भी माइकल जैक्सन का भूत आ गया, और मैं इनको नाचने के कारण $1 पैसा दे दिया, इसका मतलब 70 रुपीज़ दे दिया। और ये बंदा गया, इसने मुझे दे दिया, मैंने इनको $1 दिया, और इन्होंने मुझे दिया, इस बार कितना दिया तूने? अरे यार इन्होंने भी $1 दिया, अच्छा मैंने ये फेंका था, मतलब इसने कोई पैसा दिया नहीं। मैं इनको पूरा कुचल के निकलता हूँ इधर से। अरे इतना सन्नाटा क्यों है? भाई के बेटे को मैंने सबको मार दिया, जितने भी बेटे थे, तो मैं जल्दी से चलता हूँ। यार ये इसको, इनको कैसे मैं उड़ा दे रहा हूँ? ये तो रैंप कार बोल के भी, इस गाड़ी, इस गेम में कार है, मैं उससे भी ज़्यादा हद से ज़्यादा हो गया, उस कार से भी ज़्यादा। लैम्बोर्गिनी तो अच्छा निकला, और मैं जल्दी से घर की ओर चलता हूँ। यार लैम्बोर्गिनी का मज़ा ही अलग है इसको चलाने का। और भाई ये मज़ा बहुत आ गया आज, इसमें बहुत ज़्यादा फन एक्टिविटी किया मैंने, फनी एक्टिविटी। और जैसा कि आप लोग पता होगा, मैंने रॉबरी करने का कोशिश की, मैं बैंक के अंदर तक गया, तिजोरी के अंदर, तब भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। पता नहीं पैसा कैसे लाते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना। और मेरा लैम्बोर्गिनी आप लोगों को ब्लू कलर में अच्छा लग रहा है या फिर ऑरेंज कलर में अच्छा लग रहा था, ये भी बताना कमेंट करके। तो मैं जल्दी से इधर इसको पार्क कर देता हूँ। अरे यार लैम्बोर्गिनी तो ऐसे भी इतना महंगा कार है, तो मैं इसके ऊपर पैसा डाल डाल के इसको और भी महंगा, मतलब जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं पबजी में गन गोल्डन गन स्किन लगाते हैं, फ्री फायर में भी गोल्डन गन स्किन लगाते हैं, तो क्या हम लोग इसके ऊपर पैसा का स्किन नहीं लगा सकते? रुको मैं ट्राई करते हैं, एक बार इसके ऊपर पैसा दे दे के भर दूंगा। तो पहले इसको कलेक्ट कर लेते हैं, इसको एकदम अच्छे से अरेंज करेंगे पैसे को। ये और एक लग गया भाई, इसको ऐसे एकदम पैसा वाला बना देंगे, इसमें अब गोल्ड भी डाल देंगे, अगर इस गेम में कभी गोल्ड बोल की कोई चीज़ आया तो मैं गोल्ड भी डाल दूंगा, इसको गोल्ड प्लेटेड बना दूंगा। इसका महंगाई कितना होगा आप लोग समझ में ही आ रहा होगा। और मैं इसको पैसे से भर देता हूँ भाई, मेरे पास बहुत ज़रा पैसा, यू नो आई एम अ रिच ड्यूड, यू नो। तो भाई मैं अब इस कार के ऊपर देखे क्या करूँगा, घर के अंदर पैसा डाल डाल के बिस्तर के ऊपर भर दूंगा। रुको भाई, फिर लोग बोलेंगे सिटी का बड़ा आदमी कौन है, इस सिटी का बड़ा आदमी है टेक्नोलॉजी। तो मैं जल्दी से इस पैसे को इधर भरवा देता हूँ, और यार बेड के ऊपर पैसे का मैं एक पहाड़ बनाने वाला हूँ। मैं इतना भी बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अपना सब पैसा कलेक्ट कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ भाई, मेरे पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है। गेम में देखो आप लोग, बस $400 भी नहीं है, होने वाला बस और एक और भाई, और $2 और डॉलर, तो भाई मेरे पास $400 पूरा कम्प्लीटली आ चुका है। तो मैं जल्दी से लैम्बोर्गिनी तो पार्क कर देता, मैं नहीं चाहता हूँ ये घूम जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को आज का गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और कमेंट कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।